नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा शंकर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल राशि उपचार में। दोस्तों, राशि उपचार आपके लिए हर दिन नए वीडियोस लाता है जिससे कि आप अपने जिंदगी के दुख को हटा सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, सब लोग सुख चाहते हैं, फिर क्यों हमें मिलता है दुख। जीवन में सभी सुख की कामना करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, किंतु मनुष्य के न चाहने पर भी दुख आता ही है। यदि दुखों को सुख की तरह स्वीकार किया जाए तो वे ही उससे मुक्ति की राह खोलने वाले सिद्ध होते हैं। मनुष्य की अधिकांश समस्याओं के मूल में उसका अहंकार है। वह अपने धन, कुल, जाति, बल, साधनों पर अहंकार करता है और इन्हें अधिकाधिक संचित करने तथा बनाए रखने के लिए ललायत रहता है। मनुष्य के अहंकार का सबसे बड़ा कारण उसका ज्ञान है। ज्ञान पर अहंकार करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा अंतिम सत्य है जो मात्र परमात्मा ही जानता है। आज मनुष्य का ज्ञान जो पर्वत जैसा दिख रहा था, राई के दाने के बराबर हो गया है। यह दूसरा वर्ष है जब सारा संसार महामारी की चपेट में है। मनुष्य न तो कोई सटीक दवा ढूंढ पाया है, न बचाव का कोई ठोस उपाय। यह सही समय है कि मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल पर अहंकार करना सदा के लिए त्याग दे। जब मनुष्य अपने ज्ञान पर अहंकार का त्याग करेगा, तभी उसे ईश्वर की कृपा से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ईश्वर ज्ञान का सागर है, उसी ने सृष्टि का सृजन किया है और वही उसे चलाने की विधि जानता है। दुख आया है तो उसे वही उबार सकता है। वह अपना कौतुक दिखा रहा है, किसी को रोगियों की भीड़ में ही निरोग रखे हुए है और किसी को चिकित्सकों की भीड़ से ले जा रहा है। मनुष्य घर में दुबका है, जबकि पक्षी स्वतंत्र आकाश में निर्भय चहक रहे हैं। मनुष्य यही समझने में विफल है कि दुख कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है, यह मात्र ईश्वर ही जानता है। मनुष्य के हाथ में बस इतना ही है कि वह परमात्मा की इच्छा और योजना को समझे और उसके अनुरूप जीवन को ढाले। इस दुख से सुख पाने का यही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, और भी ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक करें और देखते रहिए राशि उपचार। धन्यवाद।